कनेक्ट करिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, कनेक्ट करिए बेटा। कनेक्ट करो बेटा। कर लिया सर। स्टूडेंट आ रहे बेटा। बेटा कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, कल बारिश के टाइम में थोड़ा लाइट रिफ्लेक्शन हो गया था। चलो बाकी फिर मैथ्स और बायो क्लास तो आ गई थी ना आपके पास में कल? यस सर। ओके बेटा, तो अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा आज का अपन लोग। देखो हमने सदिश गुणनफल कर लिया था और सर सदिश गुणनफल के केस भी कर लिए थे कि सर थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 90 हो, थीटा बराबर 180 हो, उसके सारे केस कर लिए थे। अब हम आज क्या सीखेंगे सर? एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे हमने क्या सीखा था सर? एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल किया था। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, कितना था सर? 1 आता है। और सर I डॉट J और J डॉट I कितना सर? 0। ऐसे J डॉट K और K डॉट J सर कितना आएगा? 0। तो आप देख रहे हैं कि सर इस तरह से आप बात कर सकते हैं सर, किसी भी एकांक सदिशों का अदिश गुणा हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सर एकांक सदिशों का सदिश गुणा। और जानते हो हमें क्या सिद्ध करना है सर? हमने इसमें तो क्या देखा था? इसमें तो सर ये आया था I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K। सर ये तो कितना होता सर? 1 होता है। ये लो सर, I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अलग अलग ले सर, I डॉट J ले ले 0, J डॉट I ले 0, J डॉट K ले 0 और K डॉट J ले लोगे तो भी 0। ऐसे K डॉट I सर 0 और सर I डॉट K सर ये भी 0। तो आप देख रहे हैं समान समान में क्या आता है? 1। और सर अलग अलग में क्या होता है? 0 होता है। समान समान में 1 और अलग अलग में क्या होगा? 0 होगा। ये हम निकाल चुके हैं सर, किसमें? अदिश गुणनफल में हम कर चुके हैं। अब देखो हम सदिश गुणा निकालना चाह रहे हैं, तो देखो सदिश गुणनफल इसका उल्टा आएगा। देखो यहाँ पे समान समान में क्या रहा था? मान। और अलग में क्या हुआ? 0। वहां पे क्या होगा? समान में तो 0 जाएगा और अलग में मान आएगा। समान में तो क्या होगा? 0 और सर अलग में क्या आएगा? मान आएगा। तो अब आप देखो यहाँ से सर, यहाँ से आप करिए क्या आएगा सर? हमें प्रूफ करना है ए पहला पार्ट। क्या प्रूफ करना है सर? आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, दिस विल बी 0। ये है इसका पहला भाग, ये प्रूफ करना है कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0। ये होता है सर। फिर दूसरा प्रूफ करेंगे सर, आई क्रॉस जे बराबर आता है के और J क्रॉस I बराबर आता है माइनस के। ऐसे J क्रॉस K बराबर आता है I कैप और K क्रॉस J बराबर आता है माइनस I कैप। ऐसे K क्रॉस I बराबर J कैप आता है और I क्रॉस K सर ये क्या आता है सर? माइनस J कैप आता है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये बी पार्ट है इसका। ये 2 नंबर में आ सकता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये तो किसको जाते हैं? 0 को। लेकिन I क्रॉस J क्या आएगा? K। J क्रॉस I क्या आएगा? माइनस K। ऐसे J क्रॉस K क्या आएगा? I और K क्रॉस J क्या आएगा? माइनस I। ठीक है, कुल मिला के यहाँ का रिजल्ट उल्टा मिलेगा। यहाँ पे समान में 1 और अलग में 0 और यहाँ पे समान में 0 और अलग में 1। ठीक है, अलग में मान आ रहा, तो ये ध्यान रखना। खैर ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं सर, अब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, सदिश गुणन, एकांक सदिशों का हमें सदिश गुणनफल निकालना है। तो करिए बेटा,
सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। पहले हम इसका ए पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, पहले हम इसका ए पार्ट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है सर? आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, कितना आता है? जीरो आता। ठीक है सर, कैसे? सर इसके कोऑर्डिनेट बनाइए पहले तो। सर ये तो हम जानते ही है सर, ये ओरिजिनल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। सर ये कौन होता है? आई कैप। ये कौन होता है? जे कैप। और सर ये कौन होता है? के कैप। और हम बता चुके हैं कि आई जे और के तीनों आपस में क्या है? लंबवत है। आई और जे आपस में क्या है? लंबवत है। सर ये लंबवत कहाँ दिख रहा है? तो बताया था मैंने आपको कि एक्चुअल में ये जेड इधर, सर जेड ये यहाँ पर होता है। अब देखो ये कौन है? एक्स। ये कौन है? वाई। और ये कौन है? जेड। अब बताओ तीनों आपस में लंबवत है क्या? देखो ये जेड बोर्ड के लंबवत ऐसे आता है बाहर या अंदर। ठीक है, तो अब बताओ एक्स वाई और जेड तीनों आपस में क्या है? लंबवत है। तो आई और जे भी कितना है? 90। जे और के भी कितना है? 90। और के और आई भी कितना है? 90। ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। खैर अब आगे चलिए, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं सर ये बात। आई क्रॉस आई भी क्या? जीरो। जे क्रॉस जे भी क्या? जीरो। और के क्रॉस के भी क्या होता है? जीरो होता है। तो सर कहां से करेंगे? सर इसके लिए आपने हमें सूत्र बता रखा है सर। किसका? सर सदिश गुणनफल का। कितना होता था? बताया था आपने बेटा ए क्रॉस बी। सर कितना आता है? सर ए बी साइन थीटा आता है। क्या है सर? सर ए क्रॉस बी क्या आता है? सर ए बी साइन थीटा। साथ में क्या आता है? एन कैप। साथ में क्या आता है? एन कैप। सर ये सदिश गुणा है, याद करो आप। ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है, और सर एंगल कितना है? थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट है सर वो कितना आएगा? सर ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा। क्या आएगा सर? ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा। जहां ए कौन है? सर सदिश ए का परिमाण। सर बी कौन है? सर सदिश बी का परिमाण। और सर ये एन कैप कौन है? सर एन कैप है सदिश एकांक सदिश। और थीटा कौन है सर? ए और बी के बीच का कोण है सर। ये हम पहले बता चुके हैं, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है सदिश गुणनफल कहलाता है। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान कितना था सर? ए बी साइन थीटा एन कैप आता। जहां ए है ए का परिमाण, बी है बी का परिमाण, और थीटा क्या सर? ए और बी के मध्य का कोण है। एन कैप कौन है सर? एकांक सदिश। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे सर आई क्रॉस आई ए में। तो फॉर्मूला लिखो क्या आता है सर? ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है? तो ये आता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। यही है क्या? ये फॉर्मूला सर हम जानते हैं। अब बताओ निकालना क्या सर? हमें निकालना है आई क्रॉस आई। सर क्या निकालेंगे सर? आई क्रॉस आई निकालो सर। तो देखो आई क्रॉस आई निकालिए। आई क्रॉस आई की बात करो सर, आई क्रॉस आई कैसे निकालें, किस तरह से निकालें? तो सिंपल है, ए क्रॉस बी कैसे सर? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो आई क्रॉस आई कैसे निकलेगा? तो देखो सर, ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, तो यहाँ कौन है? आई कैप। और दूसरा भी कौन है? आई कैप। तो दोनों ही एकांक सदिश है सर। परिमाण कितना होता है सर? एक होता है। बताया सर एकांक सदिश, ऐसे सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। तो देखो ये आई कैप परिमाण कितना होगा? एक इंटू में, दूसरा भी सर एकांक सदिश भी कितना होगा? एक इंटू में सर साइन ऑफ थीटा। सर थीटा कौन है? सर थीटा है सर ए और बी के मध्य का कोण। ए और बी के मध्य का कोण पर बताओ, यहां तो दोनों आई कैप ही है क्या? तो पहला भी आई कैप और दूसरा भी आई कैप। तो देखो पहला आई कैप इधर, दूसरा आई कैप भी इधर ही होगा क्या? सर दोनों अगर आई है, उस आई को ही दोबारा लिया है, तो सर दोनों आई है, तो सर ये तो एक ही दिशा में, दोनों ही एक दिशा में होंगे, इसलिए थीटा क्या होगा सर? जीरो होगा सर। दोनों सदिश एक ही दिशा में, और हम बता चुके हैं कि कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा कितना होता है? जीरो। अगर लंबवत हो तो थीटा कितना होगा? 90। और विपरीत दिशा में तो थीटा कितना होगा? 180। हम बात कर चुके हैं। तो आप बताओ आई और आई क्या दोनों एक ही दिशा में है क्या? तो यहाँ थीटा कितना सर? जीरो आएगा। तो सर ये आएगा साइन जीरो। क्या आएगा? साइन जीरो आएगा। तो कितना आएगा सर? वन इंटू साइन जीरो। साइन जीरो का मान कितना होता है सर? जीरो होता है। तो ये आएगा सर वन इंटू साइन जीरो। कितना आएगा? जीरो। साइन जीरो का मान कितना आएगा? जीरो आएगा। तो कुल मिला के हमने निकाल लिया कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आया? जीरो आया। आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये लो हमने फर्स्ट प्रूफ ही कर दिया कि आई क्रॉस आई कितना आता है? जीरो आता है। I क्रॉस I कितना आएगा सर? जीरो आता है। ये कौन सा चैप्टर है? हाँ बेटा कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर कौन सा है? हाँ
बेटा इसमें जो अपन वो कर रहे हैं ना आपका सदिश अदिश वाला जो मिलेगा आपको चैप्टर सेकंड में मिलेगा बेटा, जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे ना फिजिक्स में, हाँ बेटा फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में कहाँ से मिलेगा। आपका जो थर्ड या फोर्थ लेसन देख लेना बेटा, अपन देखो क्या है बेटा अभी फोर्थ लेसन लाइव क्लासेस में अपन टॉपिक वही ले रहे हैं अभी कि जो टॉपिक थोड़े इजी हैं और आपको समझ में आ जाए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जेड़ा जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो फिर उस समय लेंगे बेटा। तो ये वेक्टर्स वाले चैप्टर जो है ना बेटा वो थोड़ा सा ना ये इजी फैक्ट में आते हैं, ये आसान समझ में भी आ जाते हैं। बाकी आप देखो जो आपका थर्ड चैप्टर हो गया वो सर एक वन डायमेंशन शुरू हो गया, वन डायमेंशन टू डायमेंशन ये शुरू हो गए ठीक है। लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं बेटा पढ़िए, सब आपके सिलेबस में ही है, ये आपके चैप्टर नंबर थर्ड या फोर में होगा ठीक है, सदिश और अदिश गुणनफल ठीक है। तो आप इसको समझिए, ये पूरे 11th और 12th में काम आएगा, ऐसे एक अवकलन और समाकलन भी सिखाएंगे। तो ये बेसिक है बेटा फिजिक्स जो आपको पूरी आनी चाहिए, और ये आपके पूरा 11th आप देखो अवकलन समाकलन भी आपके सिलेबस में डाल रखा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में दे रखा है, पूरे सूत्र दे रखे उन्होंने। और ये वाला जो सदिश है, सदिश गुणनफल है, सदिश के प्रकार है, ये बेटा आपके लेसन नंबर थर्ड या फोर में देखना आपको मिल जाएंगे ठीक है। बाकी मैंने आपको नोट्स भेज ही दिए, आप देखो मैंने नोट्स बेसिकली उसमें पूरा वेक्टर आपको दे रखा है बेटा, वेक्टर का पूरा चैप्टर आपके पास में है ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ किया बेटा, आई क्रॉस आई क्या होता है सर, जीरो होता है सर, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो आई का परिमाण कितना होता है एक, दूसरे आई का परिमाण कितना होगा एक इंटू साइन थीटा, थीटा क्या होता है दोनों के मध्य का कोण, पर दोनों आई तो सर एक ही दिशा में कितना होगा जीरो होगा, तो थीटा जीरो लिया ठीक है। तो आई क्रॉस आई कितना हो जीरो। अब ऐसे ही दूसरा ये दूसरा प्रूफ सर, जे क्रॉस जे सर ये भी जीरो आएगा, दिख रहा है सर यहाँ भी थीटा जीरो आएगा। अब आप देखो यहाँ पे सर हमें निकालना है जे क्रॉस जे, क्या निकालना है सर जे क्रॉस जे निकालना है। तो आप देखो ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी, यहाँ कौन है सर जे और जे, सर दोनों का परिमाण कितना होता है वन वन होता है, इंटू साइन ऑफ थीटा, सर थीटा क्या होगा सर पहला वेक्टर जे कैप दूसरा भी जे कैप, तो सर दोनों जे तो एक ही दिशा, ये जे तो दूसरा जे भी इधर ही आएगा क्या सर, एक ही थीटा कितना होगा सर जीरो ठीक है। और इंटू में कौन बेटा, इंटू में एन कैप भी है, देखो यहाँ पे इंटू में एन कैप भी yes, sir. पर देखो वो जीरो में चला जाएगा, किसमें चल जाएगा जीरो में, देखो ये रहा जीरो इंटू वन इंटू वन इंटू जीरो इंटू एन कैप, तो जब ये जीरो सबसे मल्टीप्लाई तो जीरो ही आएगा, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा साइन जीरो और साथ में कौन है एन कैप, तो कितना आया सर वन इंटू जीरो इंटू एन कैप, वन इंटू जीरो इंटू एन कैप है। तो आप देखो जे क्रॉस जे भी कितना आएगा जीरो आएगा। तो हमने क्या प्रूफ किया सर, आई क्रॉस आई भी क्या है जीरो और जे क्रॉस जे भी क्या है जीरो। ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं सर के क्रॉस के भी क्या होता है जीरो होता है, आई क्रॉस आई जीरो होता है सर, जे क्रॉस जे सर ये भी जीरो होता है, और सर के क्रॉस के सर ये भी जीरो होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया है सर, क्या प्रूफ किया सर, हमने पहला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया है कि हम कहेंगे कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, क्या बोलेंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, किया जा सकता है क्या सर, के क्रॉस के भी क्या होता है सर जीरो होता है। तो देखो आई क्रॉस आई क्या प्रूफ किया जीरो, जे क्रॉस जे भी क्या प्रूफ किया जीरो, और के क्रॉस के भी क्या होगा जीरो, क्यों सर इसमें भी साइन जीरो आएगा yes, sir. तो आप हम कह सकते हैं क्या प्रूफ हो गया सर, हम प्रूफ किया सर आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये सबके सब क्या होंगे जीरो। तो देखो जो स्टेटमेंट ए है, जो पहला स्टेटमेंट ए है सर उसको तो हमने प्रूफ भी कर दिया, देखो ये एक नंबर में आ सकता है पूरा पूछेगा ना ढंग से, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा फिर तो दो नंबर में आ जाएगा ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन का पहला भाग प्रूफ कर दिया सर, सदिश गुणनफल में आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसको जाता है सर जीरो को जाता है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं, किस पे आते हैं इसके सेकेंड पार्ट को करो, देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या था सर, अभी आपने सेकेंड पार्ट लिखा था, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया क्या सर, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के सब किसको जाते हैं सर जीरो को जाते हैं, किसको जाते हैं ये बेटा जीरो को जाते हैं।
अब इसका सेकंड भाग देखो बेटा, जिसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, क्या प्रूफ करना सेकंड पार्ट में, तो ये रहा सेकंड पार्ट क्या है आपका। सर सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, केक है। दूसरा इसका क्रम बदल दो, आई क्रॉस जे है ना तो क्या आ रहा है, तो देखो अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो सर माइनस क्या आएगा, आएगा तो के। आपने इसमें देखो क्या किया है सर, कुछ नहीं, यहाँ पे आई क्रॉस जे था कि सर यहाँ पे जे क्रॉस आई कर दिया सर, दिशा बदल दी, ऑर्डर बदल दिया, पहले आई और जे था, पहले आई और बाद में जे, दूसरी बात जे को पहले लिया है को, तो क्रम बदल साथ क्या हुआ सर, वही है के और के आया, के और साथ में क्या आता है माइनस आता है, तो आई क्रॉस जे बराबर के और जे क्रॉस आई बराबर क्या आएगा माइनस के आएगा। ऐसे दूसरा क्या प्रूफ करना सर, दूसरा ये सर जे क्रॉस के बराबर क्या आता है सर, आई कैप आता है, लेकिन अगर के क्रॉस जे करे तो उल्टा करे तो सर माइनस आई कैप आएगा। ऐसे ही सर के क्रॉस आई सर जे कैप आता है, इसका क्रम उल्टा कर तो आई क्रॉस के क्या आएगा सर माइनस जे कैप आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये कौन सा सर बी पार्ट है सर, ये इसका बी पार्ट है कि आई क्रॉस जे क्या आता है के और जे क्रॉस आई क्या आता है माइनस के। ऐसे जे क्रॉस के आता है आई और के क्रॉस आता है जे आता है माइनस आई, ठीक है। तो मुझे इसको प्रूफ करना है, मुझे इसको प्रूफ करना है सर, कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो प्रूफ करने का तरीका क्या है सर, वही फॉर्मूला लो सर, सबसे पहले हम ए प्रूफ करेंगे कि आई क्रॉस जे क्या आता है के और सर जो जे क्रॉस आई है सर वो आता है माइनस के, क्या आता है सर माइनस के आएगा। सबसे पहले ए ले रहे हैं, तो देखो सूत्र को लिखो आप, ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है सर, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी क्या आता है सर, ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, ए क्रॉस बी क्या आता है सर, ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। अब बताओ आई क्रॉस जे देखो आप, हमें सर आई क्रॉस जे निकालो, तो बोलो कितना आएगा सर, आई क्रॉस जे बराबर कितना आएगा, आई क्रॉस जे बराबर कितना आएगा, तो आप देखो सर ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, तो यहाँ पे कौन है सर आई कैप, तो कौन किसका आएगा आई कितना सर वन, सर आई कैप तो कौन एकांक सदिश है सर, फिर कौन है सर जे के परिमाण कितना आएगा सर, ये भी सर जे के पर एकांक सदिश है, एक आएगा सर वन इंटू वन, इंटू में सर कौन है साइन ऑफ थीटा, तो सर थीटा क्या होता है सर ए और बी के मध्य का कोण, तो बताओ यहाँ पे कौन है सर आई और जे, और हम बताओ सर ये कंप्यूटर बनाया था आपने, ये रहा ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है, और ये आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप, बताया था आई और जे क्या सर लंबवत है, आई जे के आपस में क्या होता है लंबवत, आई और जे लंबवत, जे और के लंबवत, ये और आई लंबवत, तो देखो आई और जे सर cos sin ऑफ थीटा 90 और इनटू में कौन है सर एन कैप, तो ये एन कैप का मान क्या आएगा, तो देखो अब एन कैप का मान भी निकल कर आएगा, एन कैप का मान भी निकल कर आएगा सर, कैसे सर यहाँ पे क्या लगाएं हम लोग, सर ध्यान रखना कि सर किसी भी सदिश गुणनफल का जो डायरेक्शन होती है सर वो कहाँ पे होती है, तो जिस तल में ए और बी ऊपर से उस तल के लंबवत, जैसे कोई भी आपने लिया प्लेन सर, ये है ये सदिश ए है आपका, ये सदिश बी है सर आपका, सर इसका अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं सर, बताया आपने सदिश गुणनफल क्रम में सदिश गुणनफल क्या सर, सदिश राशि मिलेगी सर, यहाँ दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक सदिश राशि मिलती है सदिश गुणनफल कहलाता है। तो सर ए क्रॉस बी की दिशा किधर होगी, तो देखो जिस तल में ए और बी उपस्थित है, जिस तल में ए और बी उपस्थित है सर ए क्रॉस बी की दिशा उस तल के लंबवत आती है, जिस तल में ए और बी उपस्थित है उस तल के लंबवत जिस तल में ए और बी उपस्थित, जिस तल में ए और बी उपस्थित उस तल के लंबवत, तो यहाँ कौन है सर आई और जे है सर, आई और जे सर आई तो एक दिशा में, जे वाई सर एक्स वाई तल में उपस्थित है आई और जे, तो इस तल के लंब सर कौन होता है जेड दिशा, तो ये आई क्रॉस जे की दिशा क्या है सर, जिस तल में आई और जे उपस्थित उस तल के लंब, तो सर ये एक्स वाई में है तो तल के लंबवत कौन है सर जेड, तो यहाँ पे कौन आएगा के कैप, कौन आएगा सर जिस कौन है सर आई और जे एक्स वाई प्लेन में है, तो सर इसके लंबवत कौन है सर, इसके लंबवत कौन है सर, ये जेड दिशा है,
तो जेड समीकोण है के कैफ है, तो उसका दिशा क्या है सर, के कैफ आएगा। तो आई और जे जिस तल में उपस्थित है उस तल के लंबवत कोण होता है, के होता है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा के, वैसे ध्यान रखना कि उसने सर यहाँ पे आई और जे है तो बचा कौन, के आएगा। जैसे ये कौन है जे और के, तो जे और के आएगा तो सामने कौन आएगा, आई आएगा। तीन ही तो है आई जे और के, तो जो दो को आपने यहाँ लिया तो दो जो बच गया वो सामने आता, देख लो आप आई क्रॉस जे, आई और जे तो के आ गया, जे और आई लिया तो के आया, जे और के लिया तो कौन बचा, आई तो सामने आई आएगा, जे और के तो सामने माइनस आई आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देखना बहुत आसान है कि तीन है सर आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप है सर। इसमें हमें ये देखना होगा सर आप कौन से दो को जहां आई और जे ले लिया तो सामने के आएगा, जे और के ले लिया सामने आई आएगा, के और आई लिया तो सामने जे आएगा। अब इसमें माइनस प्लस देखना है आपको, क्या देखना है माइनस प्लस देखना है सर, माइनस ले कि प्लस ले। तो देखो इसके लिए हमें सर्किल में रोटेट होना पड़ता है कि ये हाफ सर्किल है आपका, ठीक है, ये तो हम निकाल देंगे अभी आ जाएगा माने। तो अभी क्या देखो कितना आया, तो ये आ गया सर 1 into 1 तो साइन आई कितना सर 1 होता है, और इंटू में कौन है सर के कैप है। ये लो अभी क्या आई क्रॉस जे बराबर क्या आया सर, के कैप आ गया। ये प्रूफ करना था कि आई क्रॉस जे क्या आता है सर, के कैप आता है, ठीक है, बॉर्ड के लंबवत बाहर की ओर। अब बताओ अगर जे क्रॉस आई निकाले तो सर जे क्रॉस आई भी निकालो, अगर जे क्रॉस आई निकालो तो निकालो क्या आएगा, सौ सौ लिखो सर ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा सर, ये आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये है ना सर, वापस से सूत्र लिख दिया। अब सर आप निकालेंगे जे क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस आई क्या निकालेंगे सर, जे क्रॉस आई निकाल रहे पहले, ठीक है, जे क्रॉस आई बराबर क्या आएगा सर माइनस के कैप आएगा, जो जे क्रॉस आई है सर वो क्या आएगा सर माइनस के कैप आएगा। तो आप बताओ क्या आएगा सर, जे क्रॉस आई कितना आएगा, देखो कौन था सर आई और जे तो के आता है, जे और आई तो के आएगा भाई, आई और जे तो तीसरा कौन बचा के, यहाँ जे और आई लिए तीसरा कौन बचा के, तो सामने के ही आएगा, मतलब दो यहाँ पे आते हैं जो बच गया वो सामने आता है, आई और जे है तो के, जे और के है तो आई, और के और आई है तो जे, देखना आसान है सर। पर कब प्लस या कब माइनस, तो वो हम अभी सर्किल से देख लेंगे। तो देखो यहाँ जे के मान कितना होता है 1, आई का मान कितना होता है 1, साइन ऑफ थीटा से थीटा कौन है सर, ये तो था आई से जे के मध्य का कोण, देखो ये रहा आई, और आई से जे का सर लंबवत है। अब सर जे से आई में तो सर चाहे आई से जे जाओ तो भी 90 है, और जे से आई आओगे तो भी 90 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा सर साइन ऑफ 90 आ जाएगा। अब इनटू में सर एन कैप और लो सर, बता दिया सर एन कैप कौन है सर, यहाँ पे दो आ गए आई और जे, तो सामने कौन आएगा के, यहाँ सर आई और जे सामने कौन आएगा के, तो सर ये के आएगा। बस आपको सोचना है सर इस के को प्लस ले या माइनस ले, तो बताओ आई और जे में हमने क्या लिया सर, प्लस प्लस के लिया। अब क्या इसका ऑर्डर उल्टा किया, जे और आई किया गया, तो सर अब आई और जे की दिशा इस बोर्ड के लंबवत ही होगी, पर लंबवत बाहर भी हो सकती है और लंबवत अंदर भी हो सकती है, इतना सा है। आई और जे तल में प्लेन पे बोर्ड पर स्थित है, तो सर इसकी दिशा क्या आएगी सर, जिस तल में ए और बी स्थित है, जिस तल में आई और जे स्थित है उस तल के लंबवत, सर तल दिशा लंबवत क्या आएगी, बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ या फिर बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। ये तो बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ आता है, और माइनस के का मीनिंग क्या है कि सर ये बोर्ड के लंबवत तो है पर किधर है सर, अंदर की तरफ। तो आई और जे की जो दिशा है सर बोर्ड के लंबवत बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है, अगर आई क्रॉस जे है तो प्लस के बाहर की तरफ, और जे और आई उल्टा करें तो यहाँ पे क्या आएगा सर माइनस के आएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा सर 1 into 1 into साइन और आई कितना सर 1, और साथ में कौन है सर माइनस के कैप। तो कुल मिला के ये प्रूफ किया सर जे क्रॉस आई वो कितना सर माइनस के कैप। ये लो सर हमने कि जो पहला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया सर, ठीक है, जो सेकेंड का पहला था क्या कि सर आई क्रॉस जे क्या आता है के कैप, और सर जे क्रॉस आई क्या आता है सर माइनस। तो देखो सिमिलर वे में हम ये प्रूफ कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा करना चाहिए अब सारी चीजें, ये आप खुद प्रूफ कर लेंगे। तो देखो हमने सदिशों का जो आई कैप जे कैप और के एकांक सदिश है सर, तो सर हमने इन एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल भी करना सीख लिया, ठीक है, और रिजल्ट क्या लिखा सर, रिजल्ट ये था, ये तो आपका बी है सर रिजल्ट, एक रिजल्ट ए, ए में क्या आया था सर आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर
के क्रॉस के, सर ये कितना होता था जीरो, ये कितना होता था जीरो, ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये दो रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं सर। और सर ये तो किसके हैं सर, सदिश गुणनफल के, अदिश में सर याद है सदिश का पहला ये रहा सर आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, कितना होता सर ये तो वन, समान समान में वन और अलग अलग में जीरो सर, आई डॉट जे बराबर जीरो और जे डॉट आई बराबर जीरो, ऐसे जे डॉट के बराबर जीरो और के डॉट जे भी जीरो, ऐसे ही सर के डॉट आई भी जीरो और सर आई डॉट के भी जीरो, मतलब समान समान में वन और अलग में मान जीरो, यहाँ उल्टा समान में तो जीरो और अलग में मान, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, आपको याद हो गया सर अदिश गुणनफल में तो क्या होता है सर, समान समान वन और अलग जीरो, और सर यहाँ पे सर समान में तो मान आता है, सॉरी समान में तो जीरो आएगा और इसमें क्या आएगा मान है। अब देखो इसको याद भी किया जा सकता है, ये निकालना सिखा दिया, अब देखो इसको डायरेक्ट अगर मुझे याद करना है तो आपको डायरेक्ट याद भी किया जा सकता है, आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो सर, देख तो लिया सर समान समान क्या आएंगे सर जीरो को, समान समान किसको आएगा जीरो को आएगा और अलग अलग में क्या आएगा मान आएगा, ठीक है। तो सर ये आई और जे है तो के लिया, जे और के है तो आई लिया, के और आई है तो जे लिया, ये तो ध्यान रहेगा, ये तो बता दिया सर आपने कि तीन होते हैं सर आई जे और के, कितने हैं सर तीन, आई जे और के हैं सर, तो बस यहाँ जो दो आ गए जो यहाँ नहीं है वो सामने आएगा, आई और जे तो कौन आएगा के, जे और के तो कौन आएगा के, ठीक है, आई और जे यहाँ पे है, जे और आई तो के ही आएगा सर, जो नहीं है वो सामने आता है, पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर कब प्लस का के लेना है और कब माइनस का के लेना है, ये तो ध्यान रहेगा, ये तो बस हर बच्चे ध्यान है सर, आई और जे है तो के आएगा, जे और के है तो आई आएगा, के और आई है तो जे आएगा, मतलब तीन है तीन में दो यहाँ पे तीसरा सामने आता है, पर एक बार प्लस का जे और एक बार माइनस का, सर ये कैसे डिसाइड हो, तो देखो इसके लिए आप इस व्हील पे चलना सीख, एक व्हील पर चलना पड़ेगा, एक सर्किल पे चलना पड़ेगा सर, कैसे सर, ये है आपका आई कैप सर, ये है आपका जे कैप और सर ये है आपका के कैप, ठीक है, हमने कहा कि सर एक तो आई कैप, तो सर ये एरो बनाओ ऐसे आई जे और ये के, आई जे और के सर ये हमने एरो बना दिया आई जे और के, तो देखो इस आपको देखना का सर, जब भी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब भी हम सदिश गुणा कर रहे हैं तो सर सदिश गुणा करते समय अगर हम सर्किल के एरो की दिशा में चल रहे सर आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, अगर सर्किल की दिशा में चल रहे तो क्या टेक करना है प्लस, क्या टेक करना है प्लस, और सर्किल के अपोजिट चले सर ये है आई जे के, आई के बाद में कौन आता है जे, जे के बाद में कौन आता है के, सर ये परफेक्ट डायरेक्शन है आई जे के, ओके। तो उसने कहा कि अगर सर हम सर्किल की दिशा में चल रहे हैं, सदिश गुणा करते समय अगर सर्किल की दिशा में चल रहे हैं हम लोग, किसमें चल रहे हैं सर्किल की दिशा में, तो क्या आएगा प्लस आएगा सर, क्या आएगा प्लस आएगा, लेकिन अगर सर्किल के अपोजिट चलें, लेकिन अगर क्या करें सर सर्किल के क्या करें सर अपोजिट चलें, तो क्या आएगा सर माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सर आई क्रॉस जे कैसे लिखे सर, तो पहले देख रहे हैं कौन है आई और जे, तो सर के आएगा, क्या आएगा के आएगा, तो सर प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, तो सर वो तो देख लो आप सर्किल पे चलो, अगर सर्किल पर एरो की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस और एरो के विपरीत चलेंगे तो माइनस, तो बोलो कौन है yes. सर आई क्रॉस जे, तो देखो ये रहा आई क्रॉस जे, आंसर कौन सा आएगा सर आगे बढ़ जाओ, ये रहा आई क्रॉस जे क्या आता है के, जे क्रॉस के क्या आएगा आई, के क्रॉस आई क्या आएगा जे, सर्किल में आगे बढ़ना होता है, देखो ये रहा आई क्रॉस जे क्या आएगा के, आगे बढ़ जाओ जे और के क्या आएगा आई, के और आई क्या आएगा जे, ऐसे चलना होगा, ठीक है, आई और जे है तो के आएगा, जे और के है तो आई आएगा, पता है तो प्लस का और कब माइनस का, तो ये ध्यान रखना कि अगर सर्किल के एरो की दिशा में चल रहा है, जो सर्किल हमने ले रखा है अगर सर्किल की एरो की दिशा में चलते हैं तो प्लस का टेक करेंगे, और सर्किल के अगर विपरीत चलते हैं, सर्किल के क्या चलते हैं बेटा विपरीत चलते हैं, तो क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, तो आप देखो ये कौन है सर आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा के, तो ये लो सर हमने के तो लिख दिया, अब सर प्लस का कि माइनस का, अब जाएगा कि कम प्लस का या माइनस का, तो बता दिया एरो की दिशा में चल रहे हो तो प्लस हो जाएगा, अब तो जरूर एरो के अपोजिट चलोगे तो क्या आएगा माइनस, यार तो एक पास रोटी दे दो, कहा
सर एरो की दिशा में चलोगे तो प्लस और एरो के ऊपर चलोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो पूरा दिए तो ये कौन है सर आई क्रॉस जे क्या आएगा कि सर एरो की दिशा में चल रहे हैं तो क्या आएगा प्लस आएगा। लेकिन अगर आपको जे क्रॉस आई निकालना हो तो पता है सर जे क्रॉस आई है तो के ही आएगा सर। ये यहाँ देख लो ये रहा जे क्रॉस आई बराबर क्या आएगा के। जे क्रॉस आई क्या आएगा के आएगा लेकिन क्या एरो के ऊपर चल रहे हैं क्या इसलिए क्या आएगा माइनस माइनस। ठीक है तो ये सर्किल में ध्यान रखना समान समान जीरो और अलग में सर कुछ नहीं। ये रहा आई क्रॉस जे क्या आएगा के प्लस है माइनस सर एरो दिशा में प्लस कि उसने कहा जे क्रॉस आई तो क्या आएगा के चलो माइनस माइनस। दूसरा देखो अब तो जे क्रॉस के क्या आएगा तो ये यहां से देख लोगे देखो ये रहा ये कौन है जे जे क्रॉस के ये ना जे क्रॉस के क्या आएगा क्या आएगा आई सर प्लस का है माइनस का माइनस क्या चल रहा है सर जे बराबर कौन है जे क्रॉस के बराबर कौन है आई पर क्या हम एरो की दिशा में चल रहे हैं सर क्या आएगा प्लस का आई और अगर के क्रॉस जे करना पड़े तो देखो एरो के ऊपर चलोगे तो चलो सर के बाद में जा रहे हैं उल्टा वापस तो के क्रॉस जे क्या आएगा आई बोलो ध्यान है सर के क्रॉस जे क्या माइनस आई माइनस तो प्लस है माइनस तो देखो सर माइनस आई सर माइनस आई क्या आएगा माइनस आई माइनस आई। इस तरह से हम देख तीसरा भी देख लो तीसरा कौन है सर के क्रॉस आई क्या आएगा बताओ तो आप देखो ये कौन है सर ये रहा के क्रॉस आई बराबर क्या आएगा जे आएगा सर के क्रॉस आई बराबर क्या आएगा जे आएगा जी और क्या एरो में चल रहे हैं सर के क्रॉस आई बराबर जे सर एरो में चल रहे हैं तो क्या आएगा प्लस का जे कैप और सर आई क्रॉस के करें तो बोलो कितना आएगा आई क्रॉस के करेंगे तो सर आई क्रॉस के करो सर ये रहा माइनस का ही ये रहा आई आई क्रॉस के देखो तो क्या जे तो आ जाएगा पर उल्टा चल रहे माइनस का ही माइनस का जे कैप माइनस का ये सारे सूत्र आपको याद हो गए होंगे मैंने बनाना सिखा दिया है। याद करना आसान है बेटा सदिश और अदिश गुना दोनों ही ठीक है। ये तो कौन है सर सदिश अदिश में क्या था आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के ये तो क्या आएगा सर ये आएगा वन और सर आई डॉट जे बराबर जीरो बराबर जे डॉट आई या फिर जे डॉट के बराबर जीरो बराबर के डॉट जे और सर ये क्या है सर के डॉट आई बराबर जीरो बराबर आई डॉट के हो गया। तो ये इस तरह से हमने कर लिया तो आप देखो कि इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो क्या है देखो सर ये है एकांक सदिश को सदिश गुणा और सर ये है एकांक सदिश सदिश गुणा अदिश गुणा तो यहाँ तो समान समान में वन और अलग में जीरो और सर यहाँ पे समान में जीरो अलग में मान और सर ये रिजल्ट याद करना बहुत आसान है। समान जीरो अलग में क्या करना है सर इस सर्किल में चलो आई और जे है तो सामने कौन बच गया के जे और आई है तो सामने कौन है के सर आई और जे है तो के आएगा जे और के है तो आई आएगा के और जे आई है तो जे आएगा और प्लस है माइनस तो सर एरो की दिशा में चलो तो प्लस और विपरीत चले तो माइनस। सर क्या फायदा है क्यों करा सर हमने क्योंकि देखो अब हम इन रिजल्ट की सहायता से हम कोई भी दो सदिश है ये जो हमने रिजल्ट बनाए सर रिजल्ट की सहायता से हम कोई भी दो वेक्टर ले लो तो उनका हम सदिश गुणा कर सकते हैं। ठीक है कोई भी दो वेक्टर लो और उनका सदिश गुणनफल निकालना सीखो। जैसे उसने दिया सदिश ए है आपका क्या है सर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप सर ये है सदिश ए पहला वेक्टर आ गया। दूसरा तो सदिश बी ले लो सर ये कौन है सर बी एक्स आई कैप बी है तो इसका हमें सदिश गुणा करना है। तो बताइए पहले हमने अदिश गुणा अब सदिश गुणा निकालो तो सर ये लो ए क्रॉस बी निकालो निकाले पहले किसका मान आएगा सर सदिश ए का मान लिखो सर ये रहा सदिश ए ये है आपके पास तो कितना आएगा सर ये है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप। ठीक है सदिश ए हमने ले लिया
अब सदिश बी लिखो सर, सदिश बी का मान लिखो सर कितना है सर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये लो सदिश ए और सदिश बी का मान हमने लिख दिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है सर वो तो हम जानते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करें सर वो हम जानते हैं सर, कैसे सिंपल है सर, सबसे पहले आप आई कैप को पकड़ेंगे, फिर आई कैप को आई से, आई को जे से और आई को के से, फिर आई काम पूरा, फिर किसको पकड़ेंगे जे को, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, तीन स्टेप उसके, फिर के को आई से, के को जे से, के को के से, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ो आई को, तो यहाँ कौन है सर ए एक्स और यहाँ कौन है बी एक्स, तो सर देखो ए एक्स बी एक्स तो बाहर आएगा और सर यहां आएगा सर आई क्रॉस आई प्लस, अब आई को जे से तो क्या आएगा सर ए एक्स बी वाई बाहर आएगा और सर ये क्या आएगा आई क्रॉस जे प्लस, फिर ए आई को कैसे तो ए एक्स बी जेड और ये आएगा सर आई क्रॉस के, क्या आई का काम पूरा हो गया क्या। अब आप जे को पकड़िए, जे को आई से, जे को जे से, जे को के से करिए मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा सर जे को आई से तो क्या आएगा सर प्लस ए वाई बी एक्स और क्या आएगा सर जे क्रॉस आई, फिर जे को जे से तो ये आएगा सर ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर आएगा सर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो ये लो सर जे का काम भी पूरा हमने कर लिया। अब लास्ट में सर किसको बोले के को, के को आई से, के को जे से, के को के से, तो के को आई से करो कितना आएगा प्लस ये आएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स तो क्या आएगा के क्रॉस आई प्लस, फिर आएगा सर ए जेड बी वाई सर ये आएगा के क्रॉस जे प्लस सर आएगा ए जेड बी जेड और ये आएगा सर के क्रॉस के, तो आप देखो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, वैसे सर ये तो हमने पहले भी सीख लिया था, देखो जब हम अदिशों का सदिशों कर रहे थे सर उस समय भी हमने सीख लिया था सारा काम, अब इसको दोबारा से कर लिया हमने सर, आई को आई से, आई को जे से, आई को कैसे, जे को आई से, जे को जे से, जे को कैसे, के को आई से, के को जे से, के को, क्या नौ स्टेप आ गए क्या सर, अदिश गुणा में भी नौ स्टेप, पर अदिश गुणा में देखो नौ में से छह तो जीरो तीन बचे थे, क्योंकि सर वहां पे ये छह तो जीरो थे और तीन वन थे, अब यहाँ उल्टा है देखो, यहाँ तीन तो क्या है जीरो बाकी सब मान, तो यहाँ तीन जीरो होंगे, तो ये सर आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के क्या आएगा जीरो, बाकी सारे मान आएंगे सर कैसे देखो बराबर, ये जीरो तो सब पहले कौन आएगा, फिर ये आएगा ए एक्स बी वाई सर आई क्रॉस जे, तो आई और जे है तो कौन आएगा सर आई और जे, देखो एरो बना सर्किल बना लीजिए आप ऐसे सर, ये आई है, ये जे है और ये कौन है के है, तो देखो एरो पे चलना, ये एरो पे चलोगे तो प्लस और वाप उल्टा चलोगे तो माइनस, कौन है सर आई और जे तो पता है कौन आएगा के सर, प्लस का है माइनस का, आई क्रॉस जे तो देखो आई क्रॉस जे क्या आएगा के सर, एरो पे प्लस के तो क्या आएगा सर प्लस का के कैप आ जाएगा प्लस, आगे चलो ये देखो ए एक्स बी जेड, बोलो क्या आएगा सर आई और के है तो कौन आएगा जे आएगा भाई, आई और के कौन है जे तो जे आएगा सर, प्लस है माइनस तो देखो आई क्रॉस जे तो देखो ये रहा आई क्रॉस के सॉरी आई क्रॉस के बराबर क्या आएगा जे, तो देखो आई क्रॉस के एरो के उल्टा चल रहे हैं तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ कौन है सर ए वाई बी एक्स, बोलो कौन है जे क्रॉस आई सर, जे और आई तो के आएगा तो प्लस या माइनस का, सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, जे क्रॉस आई बराबर क्या आएगा के सर, किसका आएगा माइनस का, और अपोजिट माइनस के के पास, अब देखो आगे बढ़ो इसके बाद में सर ये वाला जीरो, अब सर ये देखो क्या आएगा प्लस, ये आएगा ए वाई बी जेड, ये क्या सर जे और के क्या आएगा आई, और जे क्रॉस के तो देखो J क्रॉस K बराबर क्या आएगा I सर, एरो की दिशा में तो प्लस आएगा, तो प्लस का J क्रॉस K है तो क्या आएगा I क्या, फिर सर ये आ जाएगा प्लस क्या आएगा सर A Z B X, K क्रॉस I तो सर J आए, K और I तो J आएगा सर, J प्लस का है माइनस का, तो देख लो सर आप K क्रॉस I तो देखो ये रहा K